Assalamu alaikum. Today we're going to talk about different charms and different things that can bring love to your house. Aap logon ko mere saath aaj maujood hain Dr. Alia and me and Dr. Alia are going to tell you about different things. Jo choti choti cheezein hoti hain jinse aapke ghar mein bahut zyada luck aa sakti hai. Over to Dr. Alia. Hi Nadia, how are you doing? I'm good. How are you? I'm good. So, batate chale, you must be seeing different things lying over here. And before we move on to different things, I just want to see the set that is in the background, being displayed in the background. आप देख रहे हैं murals हैं और paint हुए हैं और बड़े pastel colors use किए हुए हैं. ये colors आपको गर्मी हो या सर्दी हो, आपको एक welcome note देते हैं. और ये चीज जो है बड़ी simple है. तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बताएं आज environment के बारे में कि घर जिसमें कि आप रहते हैं, which we call a home, उसको आप किस तरह डेकोरेट करें, क्या चीजें उसमें आप लेकर आए तो आपकी गुड लक आ सकती है या आपकी एनवायरमेंट बेहतर हो सकती है या पॉजिटिविटी आ सकती है. एंड दीज आर थिंग्स जो खुद आप लोग अपने घर में भी आजकल खुद भी बना सकते हो. इस तरह का आप लोग एक पीसफुल सा रूम बना सकते हो, ये पेंटिंग्स कर सकते हो खुद से एंड यू कैन जस्ट अचीव दिस योरसेल्फ. और ये खुद भी बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से बनती है. बिल्कुल. अब देखिये ये हैंड पेंटेड है सारे के सारे और एक एक स्ट्रोक बड़े ध्यान से किया गया है. पेंट के साथ जब आप पेंट करते हैं कोई भी चीज को तो आप उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आपकी मूड की डिपिक्शन होती है और आपको रिलैक्सेशन होती है. तो आप देखें कि ये कलर्स जो आपको एनहांस करते हैं, इसके पास हमारे पास यहाँ पड़े हैं, हमारे पास बर्ड्स पड़े हुए हैं और ये जो बर्ड्स हैं आप देखें ये मल्टी कलर्ड बर्ड्स हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं. अब बताते चलें कि जब हम ये बात करते हैं तो हम फेंग शुई का जिक्र करते हैं. फेंग शुई चाइनीज है और ये घर के लिए होती है. यिन यान एनर्जी, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल एनर्जी घरों के अंदर मौजूद होती है और हमारे अंदर भी मौजूद होती है. अब इसे आप देख लें कि रेनबो कलर्स इसमें यूज हुए एंड इट इज अ पेयर. अगर आप इसको देखें तो ये पेयर मौजूद है. पेयर इज फॉर रिलेशनशिप. और अगर आप इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें अपने घर में सेट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को किसके साथ रखें, कौन से कलर आप लोग चूज करें. बिकॉज कभी कभी होता है हम लोग अपने कमरे के लिए वो कमरे का कलर ही नहीं हमें चूज कर रहा होता है, वो नहीं हमने ठीक से देख किया होता है. सो प्लीज इसके लिए भी आप लोगों को यू नो यू शुड हैव नो हाउ अबाउट इट कि कौन से कलर्स आप लोगों को करें. वेल सेड नादिया, बिकॉज आई रिमेम्बर माय रूम वाज वेरी डार्क, इट वाज ब्राउन, रेडिश ब्राउन. और मुझे उसको देख के ओवरवेलमिंग डिप्रेशन सा होता. एग्जैक्टली. एंड देन आई हैड माय रूम चेंज इनटू वायलेट कलर. और मैंने वॉल सारी वायलेट कर दी थी. वायलेट इज अ कलर फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर इंट्यूशन, फॉर कामनेस, फॉर एनहांसमेंट. बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली. अभी हम लोग आप सबको यही बताना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें, डेकोरेशन पीसेस अपने घरों के लिए पिकअप करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से कलर्स आप लोगों को लेने चाहिए. देखिए ये बर्ड्स, आप लोग दुकान में जाएंगे कोई भी कलर की. और मुझे उसको देख के ओवरवेलमिंग डिप्रेशन सा होता. एग्जैक्टली. एंड देन आई हैड माय रूम चेंज इनटू वायलेट कलर. और मैंने वॉल सारी वायलेट कर दी थी. एंड वायलेट इज अ कलर फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर इंट्यूशन, फॉर कामनेस, फॉर एनहांसमेंट. बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली. अभी हम लोग आप सबको यही बताना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें, डेकोरेशन पीसेस अपने घरों के लिए पिकअप करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से कलर्स आप लोगों को लेने चाहिए. देखिए ये बर्ड्स, आप लोग दुकान में जाएंगे कोई भी कलर की उठा लें, यू डोंट नो कि उसका इफेक्ट आप लोगों के घर पे क्या हो रहा है. रिमेम्बर जब आप घर बनाए तो उसकी फेंग शुई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप इसको कमरे को भी देखिए तो इस पे लाइट्स लगाई हुई है और कोशिश की गई है कि इसको अपलिफ्ट किया जाए इन चीजों के जरिए. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल है. अगर आपको इनकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप maryamhealingcenter.com पे लिखिए, info@maryamhealingcenter.com और 0300-411-8831 0333-421-891 पे कॉल कीजिए. आपको बताएंगे. अभी देखिए हॉर्सेज हैं, अगर आप इन हॉर्सेस को देखिए तो देयर सी हॉर्सेस इन देयर मूविंग. ठीक है. मूवमेंट जो होती है, मोमेंटम जो होती है, वो एनर्जी लेकर आती है आपके अंदर. जब वो आपके अंदर एनर्जी लेके आती है तो अगर चीज रुकी होगी तो वो स्टेग्नेंट हो जाती है. एंड स्टेग्नेशन ब्रिंग्स बैड फेंग शुई इनसाइड. आई गेस आजकल के जो माहौल बन चुका है विद दिस पेंडेमिक गोइंग ऑन, हम लोगों की लाइफ, हम लोग बड़ा सोचते हैं कि एक ग्रुप सी गई है जिस तरह, तो उनके लिए हमें ऐसी चीजों का घर में होना बहुत जरूरी है हमारे लिए. बिल्कुल. यू नो वी हैव जस्ट केप्ट इट हियर, दिस इज अ कंप्लीट स्टडी बिहाइंड इट. और ये आप लोग अगर आप लोग ऐसी चीजें अपने घरों में रखते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका फायदा क्या है. आप लोगों देखो ना, जैसे नादिया ने कहा दिस इज अ कंप्लीट स्टडी, दिस इज अ कंप्लीट हिस्ट्री बिहाइंड इट. बिकॉज हम हिस्ट्री में तो नहीं जाते, बट वी जस्ट टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ इट. क्योंकि इस तरह करके और बहुत सारे छोटे छोटे आप देख लें बेनिफिट्स है. यहाँ देखें ये पेबल्स पड़े हैं, लेट मी शो यू द पेबल्स एंड देयर डिफरेंट मल्टी कलर्ड पेबल्स. ये आप देखें
कि ये है, प्लीज इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये जब साउंड्स होती हैं तो साउंड भी आपकी नेगेटिव एनर्जी स्टैग्नेशन को ब्रेक करती है। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी स्टैग्नेशन को ब्रेक करती है तो वो भी, और ये मल्टी कलर्ड है, और जितने कलर्स होंगे हर कलर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, हर कलर की अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी वेवलेंथ कंबाइन करके आपको चीजों को करती है। सो आई थिंक फॉर टुडेज एपिसोड दिस इज क्वाइट एनफ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू बी लाइक कंफ्यूज अबाउट इट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। वी हैव टोल्ड देम अबाउट द कलर्स, के कौन कौन से कलर्स आप लोगों के घरों को सूट करेंगे एंड कौन सी चीजें आप लोगों के घरों में लक लाएंगी। सो प्लीज देयर एनी क्वेश्चंस प्लीज डीएम अस, और हम लोगों का मैसेज करें, इनबॉक्स में डीएम करें, एंड देन वी लेट यू नो अबाउट डिफरेंट लिटिल थिंग्स जो आप लोगों के घर में चार्म और लक ला सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस टिल वी गेट बैक टू यू अगेन। सो नादिया और मैं वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड टू अस, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू कम विद लोड्स ऑफ थिंग्स एंड लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यू। सो गुड बाय बाय।